एक BHEL पे आप ध्यान दें, कल ये एफ एंड ओ के टॉप गेनर में शुमार हुआ था, हायर लेवल से वापस आते आते आखिरी में थोड़ी बिकवाली के साथ जरूर बंद हुआ, लेकिन फिर भी इसमें तेजी का ट्रिगर बना हुआ है। ये ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूटा है, 77-78 रुपए के जोन से टूटता हुआ करीब 57 रुपए आ गया। और दूसरा कैपिटल गुड्स की तेज़ी जो है वो लगातार बनी हुई है, ABB, सीमेंस, श्नाइडर जैसी कंपनियां जो है वो ऑलरेडी तेज़ी में चल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर बाकी जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी मूव रहे। और एक लैंड मोनेटाइजेशन का जो ट्रिगर बना था BEML के लिए, BHEL के पास भी काफ़ी एसेट्स है, तो शायद वो ट्रिगर भी काम काज करते थे। कल RCF, NFL, बाकी लैंड रिलेटेड कंपनीज जो थी उनमें भी मूव था, तो शायद BHEL इस ट्रिगर को भी फॉलो अप कर सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और लास्टली टाटा कॉफ़ी, कॉफ़ी के प्राइसेस जो कल यतिन बता भी रहे थे कि टी प्राइसेस तो ऑलरेडी एक तेज़ी में है ही, कॉफ़ी के प्राइसेस में भी एक बढ़िया तेज़ी देखी जा रही, तो कॉफ़ी के जो लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें अगर नज़र रखेंगे ये $240 के पार कॉफ़ी के जो प्राइसेस हैं वो पहुँचते हुए दिखाई पड़े हैं। तो जो स्टॉक है उसमें से टाटा कॉफ़ी को आप प्रोमिनेंटली ध्यान रखेंगे, यहाँ पर शायद न्यूज़ फ्लो का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, कल वाले दो स्टॉक्स देखिए, ध्यान रखिए, कल मेंशन करे थे इनग्रीन होंगे, दोनों इनग्रीन हुए ही नहीं थे, तो ये बात आज भी ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर इनग्रीन लेके चल रहा हूँ। दोनों फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, उसमें मुझे इशू नजर नहीं आता, वैल्यूएशन रिच है, लेकिन वो हमेशा महंगे ही रहेंगे क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस में, आइडियाज की लिस्टेड स्पेस में बहुत कम कंपनीज है ही नहीं, इसीलिए वो आप देखेंगे हमेशा प्रीमियम कमांड करती चलेंगी। और बिजनेसेस भी गजब तरीके से बढ़ रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और अमर एंटरप्राइजेस दोनों स्क्रीन पर आएंगे। डिक्सन तो फिर भी अपने लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखा चुका है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। और दूसरा वो अंबर एंटरप्राइजेस, ये तो खैर पिटा हुआ और ये अपने साल के लोज के आसपास ही है, 2200-2300 के आसपास नजर आएगा, और 2000 के तो मेरे ख्याल से साल के लोज थे, 2200 के आसपास ही है। तो पिटे हुए स्टॉक्स हैं, आज वो एक लिस्टिंग तैयारी, इन सब की, इन दोनों से बहुत छोटी कंपनी पर वो लिस्टिंग अच्छी होगी, आज मार्केट का मूड अच्छा और रिस्पॉन्स अच्छा था, तो देखते हैं इन दोनों स्टॉक का आज फिर इंजिन लेके चल रहा हूँ। और दो स्टॉक्स जो एक्यूमुलेशन के जोन में आ रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि इनके अच्छे डिविडेंड रोल आउट्स की तैयारी हो रही है, उससे पहले शायद मूव्स आज भी एक्यूमुलेशन हो। RSWM, इसकी मंडे को एक्स डिविडेंड है भाई, ये 25 रुपए का डिविडेंड, मतलब ऑलमोस्ट कल के क्लोज पे 6% के आसपास की यील्ड तो इसी डिविडेंड रोल आउट से बन जाती है, इसको रख लेंगे एक बार रडार पे। और साथ में हाइडलबर्ग सीमेंट, ये ट्यूजडे को जब एक्स होगा तो 9 रुपए के आसपास वो डिविडेंड रोल आउट होना है, और इसकी भी यील्ड कल की क्लोज पे करीब करीब मेरे ख्याल से 4.5% के आसपास बैठ जाती है, 4.5% के आसपास की ये जो स्पेसिफिक डिविडेंड रोल आउट हो रहे हैं, उससे पहले शायद कुछ एक्यूमुलेशन कम हो, आप उसी लिहाज से सिर्फ इसको टारगेट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर ऐड करके चलें। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 10-10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक